हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि हम अपने ब्रेस्ट साइज को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो फीमेल टॉपिक पे है। आप मेल चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आपको सिर्फ 3 to 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आप अपने ब्रेस्ट साइज को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। आपको ना पिल्स लेनी है, ना इंजेक्शन लगवाना है, ना सर्जरी करवानी है, ना कोई आर्टिफिशियल हार्मोन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाना है। तो चलिए जानते हैं आपको किस तरह से करना है, क्या करना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके ब्रेस्ट साइज छोटे क्यों है। सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अगर आपके घर में आपकी मम्मा को है, ग्रैंड मदर को है, या आपकी फैमिली में किसी को भी है तो ये प्रॉब्लम आप में भी नजर आ सकती है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सेकेंड आता है हार्मोन का इनबैलेंस होना। थर्ड आता है अगर आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है। फोर्थ आता है कि अगर आपका वजन कम है या फिर आप अपने बॉडी को स्लिम ड्रीम बनाना चाहते हो और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट ली है तो भी ये प्रॉब्लम आप में नज़र आ सकती है। फिफ्थ आता है आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो या फिर आप बाहर की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिससे आपका पेट साफ नहीं है तो भी आप में ये प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। सिक्स्थ है कि आपने कोई भी ऐसी टैबलेट्स खाई है जिससे उसका साइड इफेक्ट हो गया हो तो भी ये प्रॉब्लम आप में नज़र आ सकती है। सेवन्थ है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो गई हो या दोनों में से कोई एक एब्सेंस हो गया हो तो भी ये प्रॉब्लम आप में नज़र आ सकती है। एट्थ है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम नज़र आती है। नाइन्थ है कि आप करेक्ट साइज़ की ब्रा नहीं पहनते या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनते हो तो भी ये प्रॉब्लम आप में नज़र आ सकती है। चलिए जानते हैं आप नेचुरल तरीके से किस तरह से ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 to 4 स्टेप शेयर कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप से मसाज। मसाज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्रेस्ट पे, ये 80% तक वर्क करता है। तो यहाँ पे आप कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे आप सोयाबीन ऑयल है, मेथी दाना ऑयल है, या फिर आप बादाम का तेल है, या ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है वो आप यूज़ में ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल आज ऑलिव ऑयल आपको बता रही हूँ किस तरह से करना। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइफ्स का ऑलिव ऑयल लिया, उसके बाद फिर मैंने इसमें लेमन ग्रास इसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑयल लेके करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो वीट ग्रास ऑयल भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच जितना ऑलिव ऑयल लिया, उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 to 3 ड्रॉप जितना लेमन ग्रास इसेंशियल ऑयल यूज़ किया। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको अपने पाम पे ये ऑयल लेना है। 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से पाम की मसाज करनी है, दोनों हाथों को इस तरह से करना जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। ये थोड़ा सा हीट छोड़ने लग जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपने ब्रेस्ट के यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में आपको इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करनी है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। आपको अंडरआर्म्स के यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना है, आपको अंडरआर्म के यहाँ से और बीच के यहाँ से आपको बाहर की तरफ आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। आपको 15 से 20 मिनट तक के लिए करना से आपके मसल्स एक्टिव हो गए, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है और जो ब्लड सेल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है जिससे आपके ब्रेस्ट फुलर, टोन अप और शेप में आते हैं। आपको इसे रोजाना करना है, दिन में 2 बार। अगर आप दिन में 2 बार नहीं कर पाते तो आप दिन में 1 बार कर सकते हो। रात को सोते टाइम करोगे तो काफ़ी अच्छा, बेस्ट और फास्ट रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आप रात के टाइम करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि रात के टाइम हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आप रात के टाइम इसे यूज़ करें। उसके बाद फिर जो हमारा सेकेंड स्टेप से वो है डाइट। तो आपको डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। फ्रूट्स की बात की जाए तो जैसे एप्पल हुआ, बेरीज हुआ, पीच हुआ, पपाया हुआ, वाटरमेलन हुआ, जो भी फ्रेश फ्रूट्स है वो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। सब्जियों की बात की जाए तो पालक है, गाजर है, मटर है, सोयाबीन है, ककड़ी है, पटेटो है, ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। चावल है, या फिर आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो, सनफ्लावर सीड ले सकते हो, आप सौंफ ले सकते हो, जीरा ले सकते हो अपनी डाइट में। साथ ही साथ अगर ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो आप काजू ले लो, पिस्ता ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आप पम्पकिन सीड भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर टी की बात की जाए तो आप ग्रीन टी ले लो, हर्बल टी ले लो, या आप मेथी दाना टी ले सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप मेथी दाना का पानी भी ले सकते हो, ये आपको लिमिट में लेना है। तो आप मेथी दाना को ओवरनाइट पानी में सोक करने के लिए छोड़ दो, मॉर्निंग में आप छन्नी की हेल्प से छान के वो पानी भी आप पी सकते हो। और मेथी दाना का आप अच्छे से पेस्ट बना अपने ब्रेस्ट साइज पे भी आप इसे लगा सकते हो। साथ ही साथ आप
आप सोयाबीन भी ले सकते हो, आप सोयाबीन को पानी में ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप इसमें प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, थोड़ा सा लेमन वगैरह धनिया वगैरह मिक्स करके भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आप मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, घी ले सकते हो, दही ले सकते हो, आप सोया मिल्क भी ले सकते हो, सोया मिल्क काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ये सारी चीज़ें लोगे ना तो भी आपको अपने ब्रेस्ट साइज में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। अब हमारा थर्ड स्टेप है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं आपके साथ ऐसी शेयर कर रही हूँ जो आपके डायरेक्टली ब्रेस्ट पे, आपके चेस्ट पे ही इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको पुशअप करना है, वॉल पुशअप करना है, डंबल प्रेस करना है, आप स्किपिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। स्किपिंग आपको 100 to 100 टाइम्स करनी है। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आपको खुद अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। आप योगा में अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें करो, आपको खुद अपने ब्रेस्ट साइज में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। आप एक्सरसाइज करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखो कि आप स्पोर्ट्स ब्रा वेयर करो, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद ही आपको खाना है। आप जो भी खाते हो अपनी डाइट में वो आपको आधे घंटे बाद खाना है। उसके बाद फिर हमारा फोर्थ स्टेप से ब्रा। आप किस तरह की ब्रा वेयर करते हो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, इसकी मैं एक फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप ब्रा पहनते हो तो आपको सही साइज की ब्रा पहननी है। आप टाइट ब्रा ना पहने, अगर आप पैडेड ब्रा पहनते हो तो आपको अच्छी ब्रांड की पैडेड ब्रा पहननी है। आप चाहो तो कॉटन की ब्रा भी वेयर कर सकते हो। इसकी मैं एक फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली, फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल आपको कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको जंक फूड अवॉइड करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, और साथ ही साथ आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई है वो सारी आप चीज़ों का ध्यान रखो। आपको ये 3 to 4 स्टेप्स फॉलो करना है, आपको खुद अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। आपको 7वें दिन से ही अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसे यूज़ करें और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।